हम सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज मिला जुला हुआ है, तो इस टॉपिक में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग के बारे में बात करेंगे और अलग अलग चीजें जो है हमारे पास उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे, उस पर जाने से पहले हम सभी लोग जूम मीटिंग यूज कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द टूल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करने का और हम उसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जब हम कोई भी चीज शेयर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आता है शेयर स्क्रीन में, तो दो तीन तरीके के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई विंडो ही शेयर करनी है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, या फिर इंटायर स्क्रीन। तो मैं आपके साथ यहाँ पर इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सब कुछ दिखा सकूं, है ना, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी मेरी आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से एक प्रेजेंटेशन आपको सामने दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जूम मीटिंग में मैंने पूरी इंटायर स्क्रीन को शेयर किया हुआ है। तो अगर जब हम जूम मीटिंग पे जाएंगे तो मैं एक बार आपको जूम मीटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं, जहां पर हम इंटायर स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस मीटिंग में देखिए यहाँ पर ये मीटिंग के मोड पे है जिसमें ये सारी चीजें आपको दिख रही है, और जब यहाँ शेयर ऑप्शन करते हैं न्यू स्क्रीन पे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये प्रेजेंटेशन मैंने अभी रिसेंटली खोल कर रखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसमें रिसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी इन आईसीटी और टेक्नोलॉजी इनेबल एजुकेशन, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इनेबल एजुकेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है, तो इससे पहले हम एक थोड़ा सा हम घूम के आते हैं पुराने जमाने से कि आईसीटी की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जब इंफॉर्मेशन हम सेंड करते थे तो ये सबसे पुराना तरीका, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का मोड शुरू हुआ था कि हमें अगर एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती थी तो हम स्मोक सिग्नल्स का यूज करते थे। हम नीचे एक आग लगाते थे, ऊपर एक कपड़ा होता था जिसमें हम सिम्बॉल्स बनाते थे, छेद करते थे, उसमें से वो धुआं निकलता था और वो धुआं निकल के एक फॉग बनाता था जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, और वहां से वो ऊपर जाता था और जो नियर बाय एक डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस पे वो मैसेज को लोग ग्रीट कर पाते थे। कलर्स से भी होता था कि अगर रेड कलर का धुआं है तो खतरा हो गया, ये बहुत से नेवी में भी हमने देखा होगा जो समुद्र वगैरह में होते हैं तो वो फायर करते हैं, तो वो अलग अलग लाइट लाइट जो है स्काई में जाती है जिससे वो सिग्नल को पहचानते हैं कि रेड है तो अलर्ट की बात हुई या ग्रीन है तो कुछ और बात हुई, तो ये सिग्नल्स को वहां पर यूज करते थे। फिर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लोगों ने आग की जगह फिर कबूतर का यूज किया कि कबूतर के थ्रू जो है वहां पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाती थी कि एक जगह से दूसरी जगह। देन फिर उसके बाद हमारे पास आया लिखने का कॉन्सेप्ट, यहाँ से आ चुका था, हम एक लेटर लिखते थे जो कबूतर लेके जाता था। अब ये बताइए कबूतर कितना स्मार्ट हुआ करते थे उस जमाने में कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि हमें इस आदमी के पास जाना है और इस आदमी को इंफॉर्मेशन देनी है, तो बड़ा ही अच्छा इनका भी ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट रहा होगा। देन उसके बाद न्यूज़पेपर पे जब हमने लिखना सीख लिया तो फिर न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे घर तक आने लगी। देन हम उसका वेट करते हैं, आज भी जैसे अगर हुआ तो सुबह हमें वेट करना पड़ेगा, वो न्यूज़ आएगी, वो दिन भर की जो भी घटना होगी वो पहले पब्लिश होगी और देन फिर वो आपके पास सुबह आएगी। देन उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है जिसमें हमने टेलीग्राम की बात की, यहाँ पर जो आप देख रहे हो टेलीग्राम में, जिसमें एक शॉर्ट मैसेज आप भेज सकते थे विद कोड, उसको एक आप जब भेजते थे तो वो एक कोड में जाता था, वो कोड को टाइप करता था, वहां पर डिकोड होता था डेस्टिनेशन पे और वो डिकोड होके फिर आपको वो मैसेज बताया जाता था, जैसे कि हैप्पी दिवाली तो आपको हैप्पी दिवाली का मैसेज वहां पर आ गया, इतना मैसेज है घर पे सब ठीक है, या कुछ इस तरीके के मैसेज हम वहां पर भेजते थे। देन उसके बाद हमारे पास टेलीफोन, टेलीफोन से हमने जो है टेलीफोन कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। देन रेडियो, फिर टीवी, और टीवी हमारे पास जो है गांव तक पहुंच गया, ठीक है। टीवी और दो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा, टीवी सर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी जी सर, सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि मैंने अटेंडेंस फॉर्म और डे 4 सेशन 1 का चैट बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज आप उसको जरूर फिल करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग जो है उसको फिल नहीं कर रहे हैं और हमें बहुत दिक्कत आएगी जब हम इसका सर्टिफिकेशन करेंगे, प्लीज इट्स वेरी वेरी इट्स माई हार्टेस्ट रिक्वेस्ट, इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी नेसेसरी, जरूर आप उसको क्लिक करें। आप उसमें डे 4 हर सेशन का आपने अपना रिकॉर्ड देना है,
सो हमें भी ये सब चीजें जरूरी हैं, ये संस्थान को आगे साझा करनी है। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको बहुत लाइटली ना लें, जरूर उस पर अपना अटेंडेंस फिल करें, आप लगातार बने हुए हैं सेशन पे, सो वो जरूरी है। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल रहा हूँ कि आप करें। सर आप अपना सेशन जारी रखें। थैंक यू सर। तो ये भी जैसे अभी सर ने जो जिस चीज के लिए इंटरप्ट किया वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है कि हमें जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी कि कितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं तो हम उसका सर्टिफिकेट कैसे बना पाएंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम भी एक टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो हमारा टॉपिक भी है कि हम एक लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर आप फीडबैक भी देंगे और वो आपकी अटेंडेंस भी होगी कि हाँ आपको टॉपिक कैसा लगा, आपको कंटेंट कैसा लगा, जिस पे आप अलग अलग तरीके से रेट करेंगे और वो सबमिट करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि इन सब जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जैसे हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे या फिर रेडियो की बात कर रहे थे या टीवी की बात कर रहे थे, तो आज की न्यूज में तो हम ब्रेकिंग न्यूज की बात हो गई कि हमारी जो न्यूज आती है वो तुरंत कुछ भी हुआ तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज के साथ आ गई, लेकिन इन सारी टेक्नोलॉजी में क्या था, ड्रॉबैक टाइमली नहीं हो पाती थी। अब जैसे न्यूज़पेपर है तो अब न्यूज़पेपर में कुछ भी घटना घटी अभी आज की डेट में तो आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा कि कल जब वो न्यूज़पेपर आपके पास आएगा तब। तो टाइमली अगर आपको कोई अर्जेंट चीज हुई अभी या कुछ ऐसा चीज हुई है ना, तो वो आप वेट ही नहीं कर, मतलब आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई आपके पास इन्फॉर्मेशन भी तेजी से आने लगी। टीवी के बाद हमारे पास WW आ गया, WW के बाद अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास मोबाइल में आ गई, मोबाइल के थ्रू हम ईमेल कर रहे हैं, फेसबुक पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि जैसे कि अगर कहीं बारिश हुई जिसकी वजह से या कुछ ऐसा हुआ कि पुल टूट गया है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन है कि उसको इन्फॉर्मेशन के साथ आपने ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल दिया कि भाई यहाँ पर ये हादसा हो गया है तो जो भी इस साइड ट्रेवल कर रहा है वो यहाँ पर नहीं है, है ना। अगर आपने गूगल मैप में ट्रैफिक का यूज किया होगा तो वो आपसे फीडबैक लेता है कि अगर आपने इस रूट से गए हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक की कंडीशन कैसी थी। अगर आप उसे कंडीशन को वहां पे बताएंगे और उसको जो भी रूट है जिस तरीके से आप गए हैं वहां पर अपडेट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन वो बाकी उस जो भी गूगल मैप यूज कर रहा होगा उस समय वो ट्रैफिक चीज को यूज कर रहा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देगा कि भैया अगर आप इस रूट पे जा रहे हो तो इस रूट पे ट्रैफिक है, आप इस रूट से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा क्योंकि हमारे पास लाइव अपडेट आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने जब दी और वो इन्फॉर्मेशन गूगल मैप जो है और बाकी लोगों के साथ साझा कर रहा है कि आप इस रूट से गए तो आपने वहां पर इन्फॉर्मेशन गूगल मैप पे अपलोड कर दी कि भैया ये रूट सेफ है आप इससे जा सकते हो, या वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई आपने सेव कर दिया कि ये इस रूट पे जो है ये डैमेज है तो यहाँ से नहीं जाना है आप दूसरा रूट फॉलो कर लें, तो वो उसको वहां पर अपडेट कर देगा। कि गूगल के पास थोड़ी ना कोई आदमी बैठा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली हमारे 10-15 दिन पहले काफी रेनफॉल हुआ है हल्द्वानी में और पहाड़ों पर भी, तो बहुत सारी जगह रास्ता जो है ब्लॉक वगैरह हो गया था, तो जब लोगों ने गूगल मैप यूज किया तो वो बता रहा था कि ड्यू टू हैवी रेन दिस रोड इज ब्लॉक, दिस रोड इज ब्लॉक, आप ये रूट फॉलो कर लो या ये रूट फॉलो कर लो, है ना। तो वो कैसे बता रहा था कि क्या उस सैटेलाइट की वजह से, या उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन जा रही थी जो वो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, या आपने जो वहां पर जो लोग गूगल मैप वगैरह यूज कर रहे हैं वहां पर वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे वो ये लाइव इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा था अपने गूगल मैप में और आपको इम्प्रूव कर रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी जब आई तो ये इन्फॉर्मेशन को उन्होंने चेंज, हम ICT के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, देन इस ICT को लेकर हम टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग की ओर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे इन्फॉर्मेशन एक को पहुँचाने के तरीके को बदल दिया है। कहाँ हम एक इन्फॉर्मेशन के भेजने के लिए वेट करते थे, जैसे अगर आप पोस्ट करते थे पोस्टमैन को, तो अगर आज आप पोस्ट करेंगे तो वो जाएगा, जैसे भी स्पीड पोस्ट वगैरह से कम 2-3 दिन लेगा अगर आपको दिल्ली वगैरह पे भेजना और इंटीरियर भेजना तो थोड़ा और टाइम लगेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद पहुंचेंगे। जैसे कि अगर आपको एक पर्ल हार्बर की घटना याद है, अमेरिका का जो युद्ध पोत था जिसपे जापान ने हमला किया था, वहां पर यही हुआ था कि इनके पास इन्फॉर्मेशन जब आई जब उन्होंने हमला कर चुका था, पूरा हमला एक मूवी है उसमें ये सीन भी बताया गया कि वो पूरा हमला हो गया जब जापान की सेना ने पूरा तहस नहस कर दिया, उसके बाद वहां पर जो कमांडो इंचार्ज था उसके पास मैसेज आता है कि भैया जापान जो है वो कभी भी हमला कर सकता है यहाँ पर, तो आप अलर्ट रहना।
तो इन्फॉर्मेशन अगर टाइमली नहीं पहुंचेगी तो ये एक ड्रॉबैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की वजह से मदद से अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पे सही जगह पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अब क्या कि हम फेसबुक ट्विटर पे आ गए, तो बड़ा एक अच्छा सा था एजुकेशन को हम लेके बात कर रहे हैं अब यहाँ पर कि एक बड़ा अच्छा सा कहानी चल रही थी अभी तक 2019 के पहले, हम बात करें मार्च, खासकर मार्च से 2020 से पहले तक हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। अगर जो हम एजुकेशन मोड की बात करें तो हम इस मोड पे एजुकेशन चल रही थी कि एजुकेशन बोर्ड होते थे, उससे स्कूल अफिलेटेड होते थे, उसमें क्लास चलती थी और स्टूडेंट उन क्लास में जाते थे। ये अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो बड़े अच्छे से जो है क्लासेस चल रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एक चीज़ तो ये हो रही थी, दूसरा चीज़ कि हमारे साथ जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट और वो प्लान कर रही थी कि हम एजुकेशन जो है बेसिक राइट्स है सबको आनी चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो स्टूडेंट है वो पढ़ सकें और उन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि हम बात करें जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटी में हैं, ओपन स्कूल है, तो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो स्कूल जाके पढ़ाई कर सके, ठीक है। स्कूल जाके पढ़ाई कर सके क्यों नहीं पॉसिबल था कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने कहीं बात कही थी ये वाली कि एक गांव में हस्बैंड वाइफ जो थे वो काम पे जाते थे, तो उनके 3 या 4 बच्चे थे, तो जो बड़ा वाला बच्चा था वो मम्मी पापा जब घर पे जाते मतलब काम पे जाते थे तो बड़े बच्चे की जिम्मेदारी होती थी उन सारे बच्चों को संभालने की। तो अब वो स्कूल कैसे जा पाएगा, तो वो स्कूल जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे घर को लुक आफ्टर करना है पेरेंट्स के जाने के बाद, बच्चों को जो छोटे भाई बहन है उनको देखना है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, उसने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। उसका स्कूल छूट गया तो अब एक कंसेप्ट था कि पढ़ाई जो है स्कूल में जाके होगी, तो वहां से एक कंसेप्ट आया नया कि ओपन स्कूल ओपन यूनिवर्सिटी, ताकि आप जो है वहां पर पढ़ सके। तो अगर हम ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी की पुरानी बात चले जाएं थोड़े, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यहाँ पर भी क्या होता था कि इनरोल होना हो जाता था, फिर स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन भेजनी होती थी, तो वो इन्फॉर्मेशन कि भैया आपकी एग्जाम है आपका ये है, तो इन्हीं तरीकों का यूज करते थे हम, लेटर भेजते थे, उसके बाद फिर फोन आया तो हम उन्हें फोन करने लगे, जब मेल आया तो हम उन्हें मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन करने लगे, ठीक है। हमने ये अब आज की डेट में हम क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि सारी इंफॉर्मेशन 50 या 60 स्टूडेंट को एक साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो ट्रेडिशनल तरीका था, खासकर जब 2020 में कोविड आया तो हमने जो कंसेप्ट यूज किया वो था टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के अंदर ले आए और हमारी एजुकेशन, जैसे कि ये एक पिक्चर है जो ड्यूरिंग कोविड थी, है ना, कि कोविड में एक ये केरला की एक स्कूल की फोटो है जहां पर क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट अपनी प्रेयर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब एजुकेशन कहाँ पहुंच गई, उसके घर पे पहुंच गई विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसे स्कूल पे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि अब जब स्कूल खुलेंगे तब मुझे जाना पड़ेगा या समथिंग ऐसा, वहां पर उसे उस चीज की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब स्कूल खुल गया और वो घर पे ही उसके पास स्कूल आ गया। तो यही चीज जो है हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम स्टूडेंट के या जो रूरल एरिया में है या जो अगर हम एक स्टोरी की अगर हम बात करें 15-20 साल पहले या हमारे पेरेंट्स की बात करें तो जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई की होगी, खासकर जो रिमोट एरिया में रहे होंगे या पहाड़ों पर रहे होंगे, इसका भी प्रॉब्लम आई होगी। प्रवीण सर आपका माइक ऑन, हाँ थैंक यू। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि वो लोग जो है उनको पढ़ने के लिए 15 या 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, है ना। मैं अपने एक फ्रेंड की बात करूं, वो एक गांव तो जहां हम रहते हैं नेटिव प्लेस, उसके पास में एक गांव था 15 किलोमीटर, वो वहां से पढ़ने आता था और जब वो ग्रेजुएशन के लिए गया तो वो 20 किलोमीटर और जाता था, तो मतलब डेली वो 80 किलोमीटर का जो है अप डाउन करता था बस, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन फैसिलिटी ये थी तो वो 80 किलोमीटर उसके लिए थोड़े से इजी हो गए थे आना जाना, तो वो रोज का 40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना करता था। और जब उसने ग्रेजुएट किया तो वो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट था, जब उससे हमारी डिस्कशन हुआ तो उसने ये कहा कि जो हमारे साथ के थे क्लास में वो किसी ने 5वीं के बाद क्लास ड्रॉप आउट कर दी, किसी ने 8th के बाद कर दी, किसी ने 10th के बाद कर दी, क्यों, क्योंकि गाँव में प्राइमरी तक स्कूल था, ज़्यादा से ज़्यादा 8th तक स्कूल था। अब हम ये कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं खोल रही है या ऐसा चीजें क्यों नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड थी।
इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया तो वैसे एक बड़ी कंट्री है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका हो गया या अमेरिका अमेरिका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या और भी जो अरब कंट्रीज है वहां पर, जब हम रिमोट प्लेस की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना सकते हैं कि वहां पर स्कूल खोल दिया, ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर गाँव के लिए एक कॉलेज हो जाए, एक बेसिक एजुकेशन तो वहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने कौन जाएगा, क्वालिटी ऑफ टीचर कौन असेसमेंट करेगा, ये सारी चीजें एक प्रॉब्लम आई। तो हमने एजुकेशन के साथ एक जो यूनेस्को है उन्होंने ये चीज सोची और टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग की बात की कि अब हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के डोर स्टेप तक हमारी एजुकेशन को पहुंचाएं, हमारे स्कूल को पहुंचाएं, हमारे कॉलेजेस को पहुंचाएं, हमारी यूनिवर्सिटीज को पहुंचाएं। तो ये कंसेप्ट वहां से आया। तो हमने एक ट्रेडिशनल मॉडल अभी देखा था, ये हमारा एक फ्यूचर मॉडल हो सकता है ना, जिसके अंदर हम जहां पर एजुकेशन बोर्ड था वहां पर बहुत हेवी सर्वर होंगे, ये सर्वर जो है स्कूल के सर्वर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और देन ये स्कूल के सर्वर जो है एक मोबाइल ऐप के थ्रू, है ना, जिसपे मैंने कॉपीराइट लिया है, जो सर ने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था वो यही है, वो है मेरी पाठशाला, दैट इज मोबाइल एजुकेशन फॉर रूरल इंडिया, है ना, मेरी पाठशाला। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइसेस वो कनेक्ट होंगे इन सर्वर से, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी लेवल की जो बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल जो हमने यहाँ पर देखे थे कि ये बोर्ड थे, बोर्ड से स्कूल कनेक्ट होते थे और उसके बाद जो है स्कूल में क्लासेस कंडक्ट होती थी, कोई स्कूल पांचवी तक होंगे, कोई स्कूल आठवीं तक होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी हाई सेकेंडरी एंड देन उसके बाद कॉलेज और वो सारी चीजें। तो यहाँ पर स्कूल में क्या होगा होता था कि वो टीचर होंगे क्लास में, क्लास कंडक्ट होगी, टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, है ना, मार्किंग होगी, रिजल्ट तैयार करना है, ये सारी चीजें। और जो बोर्ड और स्कूल का कम्युनिकेशन होता था वो क्या होता था, रिपोर्ट भेजना स्टूडेंट के मार्क्स ताकि वो रिजल्ट निकाल सके और पॉलिसी बना सके अलग अलग कि ऐसा होना चाहिए, स्टडी मटेरियल बता सके कि वो स्टडी मटेरियल जो है अलग अलग स्कूल में इम्प्लीमेंट हो, एग्जाम कैसे होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जैसे कोविड हुआ तो कोविड में फिर एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न से कि 3 घंटे की एग्जाम होगी वो छोड़ के अब MCQ आए या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए, है ना, उनको कंडक्ट कराने की बात आई। तो यहाँ पर वही चीज रिप्लेस होगी सिर्फ टेक्नोलॉजी से, कि हम कोई नया एजुकेशन कंसेप्ट नहीं बता रहे कि हम उस एग्जिस्टिंग मॉडल में कैसे मदद से टेक्नोलॉजी ला सकें। तो टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग का कंसेप्ट सीधा है कि हम अपनी एजुकेशन में या हम अपने इस कंसेप्ट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा लर्नर को हम बेनिफिट कर सके। और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो हम अभी कर रहे हैं, हम में से सब एक अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं, है ना, और सब अलग अलग चीजों पे बैठे हैं और हम एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर जो है जिसे हम जूम ऐप कह रहे हैं, है ना, उसकी मदद से कि कोई डेस्कटॉप पे होगा, कोई मोबाइल पे होगा, है ना, और कोई ड्यूरिंग द वर्कशॉप वो साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर पा रहे होगा, है ना, क्योंकि हम जब ऑफलाइन वर्कशॉप होती थी तो हमें वर्कशॉप में बैठा ही होना पड़ता था, घर पे क्या हो रहा है, दुनियादारी से बाहर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं होता था, हम उस कमरे में होते थे। यहाँ पर हम अपने साथ साथ वर्कशॉप के साथ ऑडियो सुन भी पा रहे हैं और उस टॉपिक को डिस्कशन भी कर पा रहे हैं और साथ साथ अगर हमारे पास आसपास कोई दूसरे काम भी आ रहे हैं तो हम उन्हें कंप्लीट भी कर पा रहे हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो हम वो सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हो गया कि एक टाइम पे जैसे और मोबाइल मल्टीटास्किंग कर सकते थे, हम भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि हम सब अलग अलग प्लेस पे बैठे हैं और एक इस वर्कशॉप को जुड़े हुए हैं और उसमें वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, सेशन और नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जो पर्सनल वर्क है उसको भी हम कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये वर्कशॉप फिजिकल मोड पे होती तो हम सबको अपने अपने डिपार्टमेंट से, अपनी संस्थान से छुट्टी लेके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आना पड़ता हल्द्वानी और यहाँ पर फिर हमारा सेशन चलता और वो सारी चीजें होती। तो इससे फायदा क्या हो गया अगर टेक्नोलॉजी लेवल लर्निंग की बात करें तो सबका खर्चा होता, मतलब टाइम भी लगता और खर्चे भी होते हैं ना, जिस हम करते हैं टाइम और मनी सेविंग हुआ कि हम एक ही टाइम पे सब लोग मिल गए, यहाँ पर आपको आना जाना नहीं हुआ, अगर आना जाना होता तो कन्वेंस लगता उसके लिए वो सारी चीजें होती, तो आना जाना भी बचा और टाइम भी बचा। तो ये जो पूरी एक समग्र सोच है टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग की कि हम स्टूडेंट तक एजुकेशन को पहुंचा सकें, वहां तक उनको सारी चीजें पहुंचा सकें जो उनको नीडेड, जैसे कि अभी गवर्नमेंट दोनों मोड पे काम कर रही है, जैसे एक मोड पहले था क्योंकि हम स्टूडेंट को स्कूल तक कैसे लेके आए, तो स्टूडेंट को स्कूल तक लाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग योजनाएं की, जैसे कि मिड डे मील शुरू हुई, साइकिल वितरण किया, स्कॉलरशिप दी और
बुक हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, वो सारी चीजें कि भैया जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं, पैसे की वजह से जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी कि यूनिफॉर्म नहीं, हम स्कूल जाएंगे तो हमें यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए करें, जब आप चार चार बच्चे हुए तो चार चार, तो उसको गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम यूनिफॉर्म भी देंगे, आप तो सिर्फ पढ़ने भेजो, हम बुक्स भी देंगे, क्या आप बुक्स नहीं खरीद सकते, हम बुक्स भी देंगे, आप तो सिर्फ पढ़ने भेजो, फीस भी हम कम लेंगे, हम स्कॉलरशिप दे देंगे, उल्टा स्कॉलरशिप देंगे अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी और इस तरीके से हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो है या इस तरीके से, तो हम आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी देंगे, साइकिल भी देंगे आने जाने के लिए, वो सारी चीजें की। लेकिन उसके बाद भी ड्रॉबैक हुआ, ड्रॉप आउट रेशो बढ़े, और जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप आउट रेशो बढ़ता चला गया, कम हुआ लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट रेशो है, अगर स्टूडेंट है जैसे कोविड की वजह से आप सोचेंगे, जो अगर आप आने रिसर्च होगी आने वाले 5 या 6 साल में, तो वो हमें इम्पेक्ट पड़ेगा, पता चलेगा कि ये जो कोविड का 1 या 1.5 साल जो गया है उससे हमारी जो जनरेशन है जो है उससे कितना नुकसान हुआ, कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई है या कितना वो हुआ, ये जब स्टडीज होगी उस पर वर्क होगा तो उसका, अभी तो हम डेटा बता सकते हैं लेकिन उसका इम्पेक्ट हमें आने वाले 5 या 10 साल के बाद पता चलेगा कि क्या क्या हमने इस कोविड की वजह से एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ क्या क्या लॉस हुआ है ना। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर निकल के आया कि टेक्नोलॉजी उस इम्पेक्ट को कम कैसे कर सकती है, क्योंकि वो हुआ तो है, तो वो उसके लिए एक और ये जो कहानी है कि हम टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग की बात करें कि हम अपनी एजुकेशन में कि कैसे टेक्नोलॉजी को करें, और उसके अलग अलग यूज है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं। आप जैसे अगर आप इसी कंसेप्ट को हम देखें तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंसेप्ट तो आप हवा में बात कर रहे हो या ऐसा थोड़ी ना होगा, टेक्नोलॉजी ऐसे कैसे होगी, तो अगर आप रिसेंटली अगर आप देखें तो ये एग्जिस्टिंग है। आप अगर बायजू की बात करें, आप वेदांता की बात करें, तो वो सब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। वो उनके पास कौन से टीचर है, वो टीचर जो स्कूल में है या अलग अलग यूनिवर्सिटी में है वो उन ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, या जो कोचिंग्स में पढ़ाते थे वो उन ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और वो सेम इसी पैटर्न पे जहाँ पर स्कूल सर्वर है उसकी जगह वो बायजू का सर्वर, और यहाँ पर आप जो मेरी पाठशाला की बात कर रहे हो वहां पर वो बायजू ऐप को यूज कर रहा है, बायजू ऐप को डाउनलोड किया, उसी उसी के से टीचर पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट ने भी वो बायजू ऐप लिए उससे वो पढ़ रहा है, स्टडी मटेरियल वहां पर है, कुछ लेक्चर जो है वो प्री रिकॉर्डेड है और कुछ लाइव सेशन है, तो दोनों चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई हवा में हम कोई कंसेप्ट को बात कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम बात कर रहे हैं कि ये चीज बड़ी बड़ी कंपनियां कर चुकी है, और इसका और अच्छे से एग्जांपल हम गूगल क्लास को देखें। गूगल क्लास ने एक तरीके से पूरी चीजों को आपके सामने पूरी वर्चुअल क्लास बना दी है। आप लोगों ने कितने लोगों ने गूगल क्लास को देखा है, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, हेलो, देखिए ये आपका जो जीमेल है उसके जो जीमेल के टूल्स हैं उसमें ये क्लास है, गूगल क्लास यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो, है ना, ठीक है। तो ये गूगल क्लास हमने यहाँ पर ओपन की है, ये गूगल क्लास एक आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू करें, ठीक है, कौन से दो अकाउंट खुले हुए हैं, तो मैं अपने UOU वाले अकाउंट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपका रोल पूछ रहा है कि आप क्या हो, आई एम स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो टीचर हूँ तो मुझे टीचर वाले रोल मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये गूगल क्लास का ये कंसेप्ट खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस में जाके दो चीज हो सकती है, या तो ज्वाइन क्लास कर सकता हूँ, या तो मैं कोई क्लास ऑलरेडी बनी हो जिसका कोड मेरे पास हो तो मैं उस क्लास को ज्वाइन कर सकता हूँ, या मैं क्रिएट क्लास कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट क्लास किया। अब क्रिएट क्लास करनी है तो यहाँ पर क्रिएट क्लास में क्लास का नाम दे दिया, अब क्लास का नाम दे दिया हमने BCA, ठीक है, सेशन दे दिया हमने, दे दिया जो भी देना है उसका, सेशन 2019-20 का हो या 2021 डाल दिया, ठीक है, कि वो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से ईयर का ये बैच है ना, तो इस सेशन का है, और यहाँ पर हमने डाल दिया फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम, है ना, ठीक है। सब क्लास नेम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अब उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा जावा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने जावा पढ़ा दिया यहाँ पे। क्लास रूम अगर आप वहां पे डालना चाहो तो जाए, नहीं तो क्रिएट कर दिया। अब ये हमने क्रिएट कर दिया ऐसे क्लास को, अब ये क्लास क्रिएट हो गई, गूगल अपनी प्रोसेस कर रहा है। तो ये देखिए अब ये गूगल क्लास BCA 2020 फर्स्ट ईयर की एक क्लास क्रिएट हो गई है जिसका नाम BCA, आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट देंगे। अब ये देखिए क्लासरूम का सारा कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अगर आपको बुलाना है, अब देखो यहाँ पर गूगल मीट
इस क्लासरूम की ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इसे जनरेट करोगे तो यहाँ पर वो गूगल क्लास की लिंक जनरेट कर देगा। ये जनरेट हो गई। अब आपको जब भी क्लास करनी है और स्टूडेंट को क्लास करनी है, आपने टाइम दिया, सब आके इस लिंक को क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली इस क्लास में जुड़ जाएंगे। तो हर बार गूगल क्लास पे आपको नई लिंक जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। विजिबल टू स्टूडेंट, आप चाहो तो विजिबल कर दो, नहीं करो तो स्टूडेंट को नहीं दिखेगी। स्टूडेंट को नहीं दिखेगी तो सिर्फ आपको भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे किया तो स्टूडेंट को भी दिख रही है, वो इस क्लासरूम में आएंगे और आप भी इस क्लासरूम में इस लिंक पे क्लिक किया और आपकी गूगल मीट शुरू हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया, आप ज्वाइन किया तो सीधे ज्वाइन, स्टूडेंट भी आएंगे ज्वाइन होंगे। तो हर बार आपको अब अलग से मीटिंग के लिए लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चाहो तो आप इसे शेड्यूल भी कर सको, आगे जो ऑप्शंस होंगे उसके साथ इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप इसे भेजेंगे कॉपी लिंक तो ये वहां पर चली जाएगी या मैनेज करना, ये क्लास कोड है। अब इस क्लास कोड की वजह से हेल्प से आप स्टूडेंट को यहाँ पर ये कोड को आप जो है स्टूडेंट को भेज दीजिए, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू या उनके मेल के थ्रू, वहां पर उनके पास चला जाएगा। वो इस कोड को डालेंगे जहां पर, जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे, ज्वाइन करूंगा या क्रिएट करूंगा। तो जब मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कोड डालना होगा और मैं इस पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन कर लूंगा। तो ये हर क्लास का अपना एक यूनिक कोड होगा। एक तो इस तरीके से हम स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका, हम जो है यहाँ पर टीचर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि ये सब्जेक्ट जो है मेरे पास 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट जो है 3 अलग अलग टीचर को एनरोल किए, कि जावा की 5 यूनिट जो है 3 अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम टीचर को ऐड कर सकते हैं कि मैं तो एक पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा जिनको पढ़ाना है वहां पर आप क्लिक करें और यहाँ पर उनका सिर्फ सिंपल मेल जीमेल यहाँ पर उनका टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर गोपाल सर को ऐड कर रहा हूँ, ये गोपाल सर को मैंने यहाँ पर ऐड किया और उन्हें इन्वाइट कर दिया। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, इस क्लास में इनवाइट हो गए, अब वो यहाँ पर ऐड हो गए। वो जैसे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे वो इस क्लास का हिस्सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करना है, सेम कहानी स्टूडेंट के साथ है। यहाँ पर आप तो या तो ये लिंक कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेज दें या फिर यहाँ पर सिर्फ मेल टाइप कर दें, तो जो जो आपके स्टूडेंट होंगे उनका आप मेल यहाँ पर डाल दीजिए, है ना, और वो मेल को आप इन्वाइट करेंगे, उनके पास चला जाएगा। और जैसे भी बच्चा स्टूडेंट जो है इन्वाइट करेगा वो यहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, मैं ये गूगल क्लास क्यों बताने लग गया, क्योंकि एक दूसरा जो हमारे पास सिनारियो आया कि बहुत सारे टीचरों के साथ प्रॉब्लम आई कि ऑनलाइन क्लासेस जब हुई तो हम एक ही मोड पे यूज कर रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पे। ठीक है, हम या तो जूम पे क्लास ले रहे हैं या जूम पे क्लास ले रहे हैं या फिर हम क्या कह रहे हैं इस पे गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं या और अदर जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के टूल्स हैं उन पे हम क्लास ले रहे हैं। लेकिन जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात करें, जैसे अब हमें अटेंडेंस लेनी है तो हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया, उससे हम अटेंडेंस ले रहे हैं। अब अगर हमें क्या करना है, पीपीटी शेयर करनी, अब हमें पीपीटी शेयर करनी पड़ रही है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें अलग दूसरी ऐप व्हाट्सएप का यूज करना पड़ रहा है। अगर हमें टेस्ट लेना है तो फिर हमें गूगल फॉर्म का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऑल इन वन हो गया। यहाँ पर आपने स्टूडेंट आ गए, ये सारी चीज आ गई, अब क्लास वर्क, अब आप यहाँ पर बैठे बैठे स्टूडेंट को सारा क्लास वर्क दे सकते हो, उनकी फाइल, उनका असाइनमेंट सब यहां पर आएगा, आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं असाइनमेंट पे जाऊंगा, यहां पर असाइनमेंट किया, अब ये असाइनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पे असाइनमेंट का नाम दे दिया कि ये असाइनमेंट है, उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया आपको आधे घंटे के अंदर करना है, ये पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करना है, ये और आपने जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाए वो अगर ड्राइव में है तो ड्राइव से ले लीजिए, अगर कोई फाइल में है तो फाइल पे ले लीजिए, अगर आपने गूगल फॉर्म वगैरह बनाया तो उसकी लिंक यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर अपलोड किया तो वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप अपने सिस्टम में जहाँ पर भी वो फाइल होगी वहां से उसे लाके इसे अपलोड कर सकते हो। तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई, अब आपको किसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट को करना है तो BCA सारे स्टूडेंट को करना है, क्योंकि एक ही क्लास है। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट, अगर आपको ऑल स्टूडेंट, अभी कोई स्टूडेंट है नहीं तो यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाती। तो आपको अगर सारे स्टूडेंट को करना है तो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो पर्टिकुलर आपको 10 स्टूडेंट का ही लेना है तो आप उन 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करो और उन्हीं को असाइन होगा। यहाँ पर असाइन के साथ एक और ऑप्शन है, शेड्यूल। ठीक है, असाइन अगर आपको तुरंत लेना है तो वो तुरंत असाइन होगा, शेड्यूल कर दिया तो आपका क्या होगा कि सीधा जो है आपने कल की डेट में, जैसे 10 बजे मुझे कोई टेस्ट लेना है, लेकिन अब कल 10 बजे मेरी एक मीटिंग भी आ गई। ठीक है, और उस समय मेरे पास या 9 बजे मेरी एक मीटिंग आ गई और मैं 10 बजे तक फ्री नहीं हुआ तो वो असाइन कैसे करूंगा। तो मैंने उसे शेड्यूल कर दिया 24 घंटे पहले ही कि भैया कल 10 बजे जो है ये क्वेश्चन पेपर इस क्लासरूम में आ जाए, तो वो 10 बजे के पहले उन्हें दिखेगा नहीं, और जैसे ही 10 बजेगा वो क्लासरूम में अपियर हो जाएगा और स्टूडेंट को वहां पर दिखने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो वहां पर उसे टेस्ट को दे सकते हैं। मार्क्स इसमें आपने दे दिए कि कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, ड्यू डेट आपने लगा दी,
ठीक है, यहाँ पर ड्यू डेट के कितने बजे तक उन्हें वापस करना है, ठीक है, तो वो ये भी बताएगा कि कौन से का लेट है और कितने का टाइम पे भेजा। तो आपने ड्यू डेट दे दी कि भैया 10 बजे है, तो कल ही की डेट में 12 बजे तक आपको वापस करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर उसको किस तरीके से वो ऐड करना है, तो यहाँ पर आप एक ऐड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स और ये एडवांस फीचर्स में जाके, और देन इसे असाइन कर देंगे। अब ये क्वेश्चन वहां पर असाइन हो जाए तो जब ये स्टूडेंट को दिखने लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन वगैरह अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये जब असाइन हो गया तो इसके बाद क्या होगा, आप इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पर स्ट्रीम में वो चला जाएगा कि आपने स्टूडेंट को क्या क्या दिया है। जैसे कि मैं असाइनमेंट की जगह एक स्टडी मटेरियल यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप क्यूज भी मैनेज कर सकते हो, आप खुद क्यूज जनरेट करो, अगर आपका बना हुआ है तो उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दो, या फिर यहाँ पर एक क्यूज का एक ब्लैंक फॉर्म बन गया, आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एक क्यूज को आप बना सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सिंपल एक स्टडी मटेरियल अपलोड करके आपको बता देता हूँ, ये मटेरियल है, मुझे एक मटेरियल है यहाँ पर मुझे अपलोड करना है, मैंने नाम दे दिया यूनिट 1, और जो भी मुझे इसका नाम देना है वो यहाँ पर यूनिट 1 का जो भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक है वहां पर देना है। मैं पर गया फाइल में और मैंने यहां से सिलेक्ट की, कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली एक फाइल मुझे कि हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का, गो ग्रीन टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, हमने उसे सिलेक्ट किया और यहां पर उसे ओपन किया, है ना। तो ये आपका गो ग्रीन यहां पर आ गई, ठीक है, और इसे आप पोस्ट कर दीजिए, सारे स्टूडेंट को पोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो टॉपिक अगर आपको डालना है तो यहाँ पर आप टॉपिक डाल दीजिए, टॉपिक हमने डाल दिया गो ग्रीन, ठीक है, कि हमारा यूनिट 1 का टॉपिक क्रिएट टॉपिक, ठीक है, गो ग्रीन, ये पोस्ट हो गया, ठीक है। अब ये वहां पर पोस्ट हो गया, यहाँ पर जा रहा है पोस्टिंग लिखा हुआ, ये पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जब स्ट्रीम में जाएंगे तो ये स्टूडेंट को यहाँ पर दिखेगा, अभी तक हमने कोई असाइन नहीं किया था, ये यहाँ पर आ गया, अब जब स्टूडेंट जाएगा तो उसे देख लेगा, तो ये सारे स्टूडेंट को असाइन हो गया, आपको दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक हमने जो है ऑल इन वन सॉल्यूशन हो गया गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो अब गूगल क्लासरूम से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। पीपीटी पर वापस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हमने टूल का यूज की, हमने बात की कि किस तरीके से गूगल क्लास जो है एक टेक्नोलॉजी इनेबल, उसमें एक तरीके से आपकी क्लास को क्रिएट कर, वर्चुअली आप बच्चों से कैसे कनेक्ट करके इस पेंडेमिक में, या अगर हमारा पेंडेमिक खत्म भी हो जाए, खत्म हो गया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अब आगे जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे रिमोट स्टूडेंट को, जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटी में, तो हमारे स्टूडेंट अलग अलग जगह, तो उनसे हमें कनेक्ट करने के लिए या उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, उन्हें असाइनमेंट अलर्ट करने के लिए और वो सारी चीजें के लिए हम इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी, वो सारी चीजें वहां पर आ जाएगी। तो ये आपका हम टेक्नोलॉजी लेवल की लर्निंग की बात कर रहे थे, तो कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा और किस तरीके से हम इसे काम कर सकते हैं, ये हमने डिस्कशन किया। मैं वहां पर ये वाली बात करने नहीं जा रहे हैं कि हम ये बात करने जा रहे हैं, बात की हमने टेक्नोलॉजी लेवल लर्निंग को लेके कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट, हम इंपॉर्टेंस इसकी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग के बारे में बताऊं तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में एक जो है इस एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग को बात की। मैं हिस्ट्री में बात करूं तो यूनेस्को ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और सारी कंट्री को इस तरीके से कहा कि बेसिक नीड में एजुकेशन भी सबका राइट से पहुंचना चाहिए, तो वहां पर कैसे आप वहां पर पहुंचाएंगे, कैसे आप अपनी टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, उन्हें असाइनमेंट और ये सारी चीजें। दूसरा जो यूज हम टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं वो आप विजुअलाइजेशन करने के लिए, जैसे कि ये पीपीटी, अगर हम एक लेक्चर पे बात कर रहे हैं तो मैंने इस लेक्चर को दिखाने के लिए क्या किया, एक प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो जो मुझे समझ में आया वो चीजें डालता गया, कंटेंट डालता गया, इसमें टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, ठीक है, और बाकी जो हम आगे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो उसमें वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे और वो सारी चीजें इसके अंदर
आएंगी, तो उससे क्या होगा, हम वहां पर टेक्नोलॉजी, आप अगर बायजूस और उन पे देखेंगे या यूट्यूब वगैरह पे, जैसे आपने पुराने सेशंस वगैरह देखे होंगे, पुराने जो सेशन हमारे हुए जिसमें हमारी यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह की बात, तो आप अपनी खुद की यूट्यूब चैनल बना के आपका एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके आप उसे कैसे अपलोड कर दें यूट्यूब पे। हमने पिछले 2-3 दिन में यही तो सीखा कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, और कैसे उससे हम जो है सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे फिर और ट्विटर वगैरह पे हुआ, कैसे उसे शेयर कर सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हम उससे अर्न भी कर सकते हैं, और अगर हमें अर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ सोशल उसके लिए करना है, वॉलंटरी करना है कि नहीं, हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं कि हम मेरा जो नॉलेज है वो लोगों तक शेयर हो, वो उसको पढ़े और उससे बेनिफिट हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, वो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो यही कहानी है वहां पर हम जो सीख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की, उसमें से एक है हमारे पास शोध गंगा, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो शोध गंगा क्या हुआ, शोध गंगा पे हम चले जाते हैं, शोध गंगा के ये URL पे हम सीधे उसी पे चले जाते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट पे वहां पर आपको बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए कोई भी वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ac.in, है ना, ac.in मतलब एकेडमिक है इंडिया की, इंडिया IN, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गोपाल सर बता रहे थे 91 और ये सब, ये अलग अलग कंट्री के कोड है, 92 और ये वाले कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 92 जो है पाकिस्तान का है, 94 जो है श्रीलंका का है, 91 इंडिया का है, तो एक थ्रेट सा है, बीच में वार्निंग आई थी कि कुछ नंबर के साथ जो 92 के साथ आ रहे थे उन्हें नहीं करना, वो न्यूज वगैरह में भी आया था, सारे नंबर नहीं। अब मेरे कोई रिलेटिव है जो श्रीलंका में रहते हैं, या कोई मेरे टीचर है, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस में मिले होंगे तो वो लेते हैं, तो उनका नंबर तो मुझे जानता हूँ, तो जैसे सर ने कहा था अननोन नंबर, इसका मतलब नहीं कि आप नोन नंबर को भी उठाना बंद कर दे, बोले ये 94 से सर ने बोला था नहीं उठाना है ना, अननोन नंबर जिनको आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उन नंबर को नहीं उठाना है, क्योंकि ये कंट्री कोड है कि हम पहचानेंगे कैसे, मोबाइल नंबर को आप पहचानेंगे कैसे, है ना, कि ये इंडिया का नंबर है ना, या ये श्रीलंका का नंबर है, या ये अमेरिका का नंबर है ना। जैसे कि आप पहले लैंडलाइन पर मैंने फोटो बताया था, तो उसमें हम हर सिटी का एक कोड होता था, जैसे मुझे भोपाल लगाना है तो भोपाल का कोड था 0766, है ना, मुझे दिल्ली लगाना है, दिल्ली का कोड था 0135, ठीक है, रतलाम लगाना है तो रतलाम का कोड था 07412, मुझे बेंगलोर लगाना है तो बेंगलोर का था 0484 शायद, या 044 ऐसा कुछ था, तो ये कंट्री, ये सिटी कोड थे। तो वो क्या होता था, जब हम कॉल करते थे, जब हम आगे GSM वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे कॉल करते थे तो वो पहचानता था कि पहले मुझे कुछ एक्सचेंज से कनेक्ट करना है, फिर उसमें जाके उस नंबर से कनेक्ट करता था, तो वो लोकेशन ट्रेस करना कि मुझे कनेक्ट कैसे करना है और किससे हम बात करना चाहते हैं, तो पहले हम लगाते थे 07412, तो 07412 लगाया, या 0766 तो वो भोपाल के लिए हो गया, 0755 तो वो अलग हो गया, इंदौर के लिए हो गया, है ना, हल्द्वानी का कोड मेरे ख्याल से हल्द्वानी उस समय मुझे यूज ही नहीं हुआ तो मुझे हल्द्वानी का कोड नहीं पता, है ना, तो ये सारी इन सिटियों में मैं रहा हूँ इसलिए मुझे इनके कोड पता है, क्योंकि मैं उस समय वहां पर रहता था और उस समय लैंडलाइन ही होता था, तो मुझे अपने घर पे बैंगलोर में या पढ़ना होता था तो वहां पर कॉल करने के लिए अपने लैंडलाइन नंबर देने होते थे, तो यही नंबर हम वहां पर यूज करते थे, तो इसलिए ये कोड मुझे पता है। ठीक है, तो ये लैंडलाइन के कोड होते थे, तो वहां पर वो कंट्री कोड यहाँ पर यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पर जो ac.in है, तो ये हो गया एकेडमिक, एसी फॉर एकेडमिक, तो अगर कोई भी वेबसाइट पे ac लिखा है तो वो एकेडमिक से रिलेटेड है, और फिर डॉट उस पर लिखा है .in.au तो वो ऑस्ट्रेलिया की हो गई, ठीक है, .uk तो वो यूनाइटेड किंगडम की हो गई, .com तो वो कमर्शियल हो गई, तो ये अलग अलग कंसेप्ट है वेबसाइट को एड्रेस से पहचानने के लिए। तो ये इंडिया की एक एकेडमिक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा में क्या है, किसी को आइडिया है इसके बारे में, कोई बता पाएगा? तो अगर हमें नहीं पता है तो हमारे पास वेबसाइट पे ही बता रहा है उसने, एक अबाउट शोध गंगा नाम से पोर्टल बना रखा है, तो हर वेबसाइट में उसने अपने बारे में बता के रखा है कि वो काय के लिए, है ना।
इंडियन थीसिस के बारे में यहाँ पर आप अपने जो भी जैसे पीएचडी वगैरह आपने की है ठीक है, उसको यहाँ पर आप लोगों तक, जैसे मैंने पीएचडी की है, मैंने जैसे कॉपीराइट किया, पीएचडी टॉपिक ही था मेरा, उस पर काम किया, ये सारी चीजें की और उससे पीएचडी को कंप्लीट कर दिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, वो मेरी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में है जहां पर मैंने पीएचडी की होगी, मेरे गाइड के पास होगी, मेरे पास होगी, बाकी उसके बाद आप कहाँ पता कि किस टॉपिक पे मैंने क्या काम किया और आपको कैसे पता उस चीज के बारे में। तो यूनिवर्सिटी और ये उनके यहाँ पर जो भी रिसर्च हो रही है, तो गवर्नमेंट ने ये चीज सोची कि एक हम शोध गंगा नाम का एक पोर्टल बनाया जो वर्चुअली है, जिसपे आप जितनी भी इंडिया में अलग अलग आईआईटीज हुआ, एनआईटीज हुआ, इन सब में जो भी थीसिस और पीएचडी और रिसर्च काम हो रहा है उसको यहाँ पर पब्लिश करते हैं, यहाँ पर आ जाए, ताकि टॉपिक वाइज उसके साथ वो उसे सर्च कर सके और उन थीसिस के बारे में पता हो कि हाँ इस टॉपिक पे अगर कोई करना चाहता है, कि जैसे भी हमने बात की कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद अगर अब कोई रिसर्च करेगा कि क्या इम्पेक्ट पड़ा एजुकेशन सिस्टम पे, बच्चों की एजुकेशन पे क्या हुआ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पे क्या हुआ, इस तरीके की चीजों पे, तो वो वहां पर चाहता है कि इस तरीके की कौन सी चीजों पे ऑलरेडी कुछ काम हुआ या किसी ने शुरू किया है, या पहले किसी ने इस तरीके की पेंडेमिक आया था या उस पे उसने कोई काम किया या इस तरीके की चीजें पे कोई काम हुआ है ना, जैसे कि अब किसी ये कोई ने गुजरात में जैसे 2000 में भुज में भूकंप आया था, जिसमें काफी 3-4 महीने तक जो है पूरी चीजों को नॉर्मल होने में, स्कूल पूरे वहां पर टूट गए थे, ये सारी चीजें हो गई थी, तो वो एक स्टडी है कि उससे क्या इंपैक्ट हुआ स्टडी का, तो वो एक रेफरेंस दे सकते हैं अपनी आगे की थीसिस में कि कोविड भी, वो भी एक पेंडेमिक ही था, कि वो एक तरीके से हुआ कि यहाँ कहीं ऊपर चमोली या ऊपर कहीं और पहाड़ों पे बादल पड़ गए, उसकी वजह से स्कूल और ये जो चीजें थी वहां पर प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, तो उसे पूरा कवर करने में 2-3 महीने लगे, तो उस समय उसके बाद वो जो स्कूल थे उससे पहले वो जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्या हुआ, जब तक वो स्कूल बना उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की कि नहीं की, तो ये सारी चीजें के रिलेटेड अगर किसी ने थीसिस किया है, इस पे काम किया है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप उन्हें अपना लॉगिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या हो, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हो या कौन हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना लॉगिन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डाउनलोड्स की फैसिलिटी है कि यहाँ पर क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चन है उसके बारे में कि कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या गाइडलाइन है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल है। नोटिफिकेशन के बारे में, यूजीसी के जो नोटिफिकेशन है ना, एमफिल पीएचडी रेगुलेशन के बारे में, जैसे बहुत सी बार जो अभी डिस्कशन चल रहा है कि क्या नया रेगुलेशन है, पीएचडी कंपलसरी है कि नहीं है, तो पीएचडी कौन सी 2016 की गाइडलाइन क्या है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, है ना, 2018 की गाइडलाइन क्या है पीएचडी और एमफिल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये सारे उसके अलग अलग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट यहाँ पर है, रिसर्च और रिसर्च गाइड यहाँ पर है, टाइटल है, आपको कैसे सर्च करना है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उस पर क्लिक कर दिया था तो वो उस पेज पे चला गया, तो देखिए यहाँ पर करीबन इतने जो है हमारे पास 4 लाख के आसपास जो है हमारे पास गाइड होंगे जो बता रहे हैं रिसर्च, रिसर्चर और गाइड, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, और ये सब उनके नाम पे नाम भी है, ठीक है। अब कौन कहाँ से है, आपको किसी भी रिसर्चर के बारे में या गाइड के बारे में पता करना है, वहां पर उसे क्लिक किया, उसकी प्रोफाइल देखी, उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। देखिए हमें इन्हीं के बारे में देखना, ठीक है, तब हमने इन पे क्लिक किया, यहाँ पर उनका सारी चीज आ गई, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि ये रिसर्चर है और इस तरीके से यहाँ पर इनका काम चल रहा है, टाइटल क्या था उनके थीसिस का, यहाँ पर हमको वो सारी चीजें मिल जाएगी, इनका एक ही रिजल्ट है, ठीक है। आप टाइटल से रिसर्च सर्च कर सकते हो या जैसे भी कर सकते हो, वापस यहाँ पर हम होम पे आ गए, तो ये शोध गंगा रिसर्च को लेके अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है इतनी थीसिस यहाँ पर अक्टूबर 2021 तक आ गई है, 3,25,000 के आसपास थीसिस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का लॉट्स ऑफ डाटा के कितने लोगों ने, आप इसे सब्जेक्ट के वाइज सर्च कर सकते हो, है ना, कीवर्ड से अलग अलग यूनिवर्सिटी और उसके अपने अपलोड करनी है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो ये एक कंसेप्ट हुआ किसके लिए, शोध गंगा के। दूसरा हम बात करते हैं एनसीईआरटी, खासकर एनसीईआरटी बोर्ड और एनसीईआरटी के बारे में हमने सबने सुना है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये उनका एक पोर्टल है, यहाँ पर वो सारी चीजें उन्होंने अवेलेबल करके रखी है कि ये उनके अलग अलग जो रीजन है उनके बारे में, है ना, देन यहाँ पर नीचे
जाएंगे तो बाकी हमें कहानी मिलेगी, जैसे कि ये उनके रिसोर्सेस कि यहाँ पर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, ई रिसोर्स, आईसीटी इनिशिएटिव क्या क्या लिए उन्होंने, है ना, वो यहाँ पर उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एजुकेशनल सर्वे, है ना, यहाँ पर सारी उनकी चीजें जो आपको चाहिए कि उनके एमओयू क्या है, उनके जर्नल्स कौन से हैं, यहाँ पर आप उनके साथ बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक की बात की तो ये कि यहाँ पर सिलेबस के साथ बीएड टेक्स्ट बुक्स हो गई, या ऑनलाइन बुक खरीदनी है या ई बुक्स आपको खरीदनी है तो वो यहाँ पर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या उनके बारे में हो गया, यहाँ पर उनके कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन सी उनकी गैलरी है, ये सारी चीजें, पब्लिकेशन उनके यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने पब्लिकेशन अवेलेबल कर रखे हैं, क्या क्या पब्लिकेशन है, स्कूल किट के लिए है, है ना, प्रॉब्लम एग्जाम्पल पे प्रॉब्लम है, अलग अलग कोर्सेस और उसके लिए उन्होंने ब्रिज कोर्सेस पैकेज यहाँ पर दे रखे हैं, फिर अलग अलग पीडीएफ है क्लास वन से क्लास ट्वेल्व तक के लिए, स्टेट और यूटीएस ई बुक्स यहाँ पर है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, उन्होंने जो चीजें यहाँ पर दी है कुछ फ्री है कुछ जो है वहाँ पर ले सकते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस आने वाले उसमें नोटिफिकेशन कि अगर आपको यहाँ पर इनके अपना एनसीईआरटी कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कराना चाहता है जिसमें आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, है ना, तो वो वहां पर आप इस पे जाके, जैसे यहाँ पर देखिए कोविड पेंडेमिक पे इन्होंने कुछ कराया हुआ है इस तरीके आईसीटी अवार्ड, तो यहाँ पर आप अपने आपको रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, अपनी चीजों को बता भी सकते हैं कि हमने अभी अभी इस चीजों पर ये काम भी किया है और ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम शोध गंगा के बाद ये है नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क। नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क अहमदाबाद में इसका सेंटर है, यहाँ पर जितने भी हमारे आईआईटीज हो गए और एनआईटीज वगैरह हुए उनके पास जो भी ई कंटेंट है बुक्स वगैरह का वो यहाँ पर एक साथ अवेलेबल है, आप उनको यहाँ पर कुछ फ्री में है और यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। शोध गंगा भी उसी का पार्ट हो गया, ये जितने भी हमारे मेजर प्रोग्राम है इसके अंडर में और प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आपका सोल हो गया एक जो इसी को लेके शोध गंगा, यहाँ पर शोध गंगा को लेके और विद्या मित्र को लेके, ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये पूरा यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पब्लिकेशन अगर आपको देखने हैं उनकी रिपोर्ट न्यूज है ना, यूनिवर्सिटी और उसके अलग चीजों को, लाइब्रेरी को यहाँ पर अगर आपको एक्सेस करना है तो वो लाइब्रेरी को लेकर यहाँ पर सारा कंटेंट है। ठीक है, तो ये ई लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पर आप उसमें चले गए, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको दे रखा है ना, जो चीज उसके बारे में बता रखा है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कुछ प्रोजेक्ट है जिस पे गवर्नमेंट लगी है और जिसमें जो इंफॉर्मेशन, जो मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी इनेबल का, एक तो ये हो गया कि हम उसका यूज करके लास्ट माइल रनर तक पहुंचे, दूसरा उसका यूज क्या हो गया कि हमारा जो पहले जो नॉलेज था, जैसे कि अब मैंने ये थीसिस की ये किया वो यहाँ पर मेरे साथ पब्लिश है, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, मुझसे जुड़े हुए कुछ लोगों को पता हुआ है, उन तक वो सारी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों तक ही है, तो अब इसका क्या हुआ कि लोग उस नॉलेज को शेयर कर सके एक दूसरे को कि एक प्लेटफॉर्म पे कि ये एक प्लेटफॉर्म पे। हेलो, तो एक प्लेटफॉर्म पे हम कैसे इन सारी चीजों, कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप कंटिन्यू, तो वहां पर हम जो दूसरा काम कर रहे हैं कि हम जो नॉलेज है उससे शेयरिंग कर सके कि आईआईटी में कौन कौन से, आईआईटी मद्रास में कौन सी रिसर्च हुई है, आईआईटी दिल्ली में कौन सी रिसर्च हुई है, तो वो एक पहले सब उसके बारे में पता कर सके कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अगर किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ सर, जी सर, हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर, ओके ओके, तो यहाँ पर हम इन अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हमने बात की, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम एक साथ एक पूरी कंट्री का जो एजुकेशन से रिलेटेड डाटा है, चाहे वो ई बुक्स में हो, चाहे रिसर्च पब्लिकेशन को लेके हो, चाहे वो थीसिस को लेके हो, चाहे वो फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक की क्लासेस के मटेरियल को लेके हो, चाहे वो हायर एजुकेशन को लेके हो, ठीक है,
या प्रोफेशनल एजुकेशन को लेके हो, उनको एक जगह लाके उनको इस तरीके से हम आप लाएं ई फॉर्म में, या कि हम उसे बाकी लोग भी उसका फायदा उठा सके और उसका हम यूज करके कुछ अच्छा कर सके अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और कंट्री को और कि उसके डेवलपमेंट के और उसमें ग्रोथ के लिए हम कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये एक सारी चीज है कि हाँ सबके पास सारी चीजें रिसोर्सेस अवेलेबल हो। कि एक जो प्रॉब्लम पहले आती थी कि ये तो काम इतने ही क्यों किया, तो हम कह देते थे कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, हमें नहीं पता कि IIT मद्रास वाले ने क्या रिसर्च किया, अगर किया होगा तो पता, क्योंकि हम नॉलेज डोमेन से मिलना पड़ता था उस समय के, जैसे हमारे जो गाइड हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं जिनके पास काफी अनुभव है, हमें पहले उनसे मिलना होता था, उन्हीं के पास वो नॉलेज के इंसाइक्लोपीडिया होता था, वो बताते थे कि आप पहले उन प्रोफेसर से मिल लीजिए, फलाह यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, वो आपको गाइड कर देंगे। तो पहले आपको भी राइट रिसोर्स पर्सन के पास जाना पड़ता था ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो उसी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें क्या हो गया कि अब हमें उनसे मिलने के लिए IIT मद्रास नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि यार IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए, उन प्रोफेसर की प्रोफाइल देखी, उनसे यहाँ पर उनकी कौन कौन सी थीसिस यहाँ पर अवेलेबल है उनसे हमने देखा, उनका अगर मेल एड्रेस मिला तो हमने उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया, हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, और हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर उनसे हमने चाहे फिर आगे आप फर्दर फोन नंबर लेके उनसे बात करें या पर्सनली मिलने जाएं, वो एक पर्सनल सारी चीज़ हो गई। लेकिन हमें बैठे बैठे ही सारी कंट्री में किस तरीके की रिसर्च चल रही है, क्या हो रहा है, जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करके, जो मोटिव है गवर्नमेंट का और जो हायर एजुकेशन उसमें बैठे हैं लोग, उनका यही कंसेप्ट है कि ये सारी चीजें लाके हम एक कंट्री के लिए कुछ अच्छी रिसर्च कर सके, उन रिसर्चर्स से हम पैटेंट कॉपीराइट का ला सके जिससे हम डेवलपमेंट कर सके और चीजों को पहुंचा सके। हम सिर्फ एजुकेशन को लेके, क्योंकि बेसिक नीड है, हेल्थ को लेके भी हम उस पर काम कर सकते हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम हेल्थ को वहां पर पहुंचा सकें, कि बेसिक हेल्थ फीचर्स जो हैं गांव तक पहुंचा सकें या लास्ट माइल लर्नर तक पहुंचा दें। हम आगे चलते हैं, शोध गंगा के बारे में हमने डिस्कशन किया, अभी देखा कि किस तरीके से शोध गंगा के वर्क कर रहा है ना, नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कशन किया कि वो क्या है, उसमें किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। देन फिर हमने NCERT की वेबसाइट के बारे में देखा कि वो उन्होंने अपना जो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट था, वर्कशॉप, फेसबुक पब्लिकेशंस, बुक्स वगैरह, उसको अपलोड कर रखा है ताकि उसे कोई भी यूज़ करके आगे चल सके। हम अगले उस पर बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वो लेके। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेके इस टॉपिक पे अब डिस्कशन करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। अभी हम जिस टूल से जुड़े हुए हैं, जैसे हम जूम कह रहे हैं, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ठीक है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, कोई इस पे कुछ कहना चाहेगा? तो अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हम बात कर लें कि इसमें पांच चीजों को हम बात करते हैं कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इसके टाइप क्या है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो करते हैं लेकिन उसके टाइप क्या है, उसकी जरूरत क्या है, कौन सा टाइप कब यूज करना है, ठीक है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि हम उसकी वर्किंग कैसे, सबसे बड़ी चीज के वो वर्किंग है बिहाइंड टेक्नोलॉजी, जो एक बड़ी सिंपल सी चीजों में कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्लेस पे हैं और हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जुड़े हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके पास तक आ कैसे रही है, वो किस तरीके से जा रही है। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना। अब इंटरनेट को कैसे पता चल रहा है, इंटरनेट तो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में हर कोई यूज कर रहा है, अभी भी यूज कर रहा है, तो वो हर कोई तो इस वर्कशॉप से जुड़ा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भैया उनके पास लिंक नहीं गया होगा, ठीक है। जूम ऐप तो सबके पास होगा, हम कह सकते हैं पास कोड नहीं होगा। तो कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, इसके पास जाना है उसके पास नहीं जाना है, या हम ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं, एक एड्रेस हम डालते हैं, जैसे अभी मैंने गोपाल सर को इनवाइट किया था गूगल क्लास में, तो मैंने एक ईमेल एड्रेस डाले और वो गोपाल सर के पास वो इनविटेशन पहुंच गया। अब वो यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी हो, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो वो कैसे पहुंचा कि ये, अब वो किसी भी सिस्टम पे खोले, वो चाहे मोबाइल में खोले, चाहे वो अपने लैपटॉप पे खोले, या अपने डेस्कटॉप पे खोले, या घर के सिस्टम में खोले, वो कहीं पे भी खोले, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई। तो वो इन्फॉर्मेशन लोकेशन के हिसाब से कैसे पहुंच जा रही है, मैंने कहाँ भेजी, मैंने भेजी तो वो उनके पास हर जगह कैसे अवेलेबल है। तो ये उसकी वर्किंग में होगा। की फीचर्स की हम बात करेंगे, देन बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्या क्या हमें चाहिए एक अच्छी सी कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल हो, ठीक है।
अब मोबाइल कनेक्शन के साथ आप हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप से कनेक्ट हैं और सडनली आपके मोबाइल पे कॉल आ गया, तो अब वो नेटवर्क जो है वो समय के लिए डिसकनेक्ट हो गया। आपकी जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी या आप कुछ बोल रहे थे तो वो समय के लिए पॉज हो गया, क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है इंटरनेट कनेक्शन। हालांकि टेक्नोलॉजी पे आप कितना भी मतलब एक जो बड़ा टेक्नोलॉजी को लेके एक जो रियल है कि टेक्नोलॉजी के हम कितनी भी बात कर ले सारी चीज हो जाए, लेकिन कब, जैसे हम वहां पर काम कर रहे थे तो हाईवे का काम चल रहा था, हाईवे का काम चल रहा है तो उन्होंने जो केबल बिछी हुई है, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए जो केबल आई है उसको उन्होंने जेसीबी ने उखाड़ा तो वो टूट गया, तो इंटरनेट कनेक्शन चला गया। अब आपके पास, आपने तो अच्छा कनेक्शन लिया हुआ है, बीएसएनएल का या आपने एयरटेल का या जिसका भी पैकेज लिया वो सब कुछ अच्छा लिया, लेकिन उसने वहां से केबल ही तोड़ दिया, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो आप ये कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन हो, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास हो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो स्मार्ट मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिसमें हमारे पास ऑडियो वीडियो की सारे फीचर्स हो कि उस पे ऑडियो दिख सके और वो सारी चीजें हो। तो जो दूसरी चीज है जिसे हम कह सके वेब कैमरा, ठीक है, लैपटॉप में तो वेब कैम इनबिल्ट आता है लेकिन डेस्कटॉप में नहीं होता है, तो वहां पर आपको वेब कैम की जरूरत पड़नी पड़ेगी, वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि सिस्टम पे सामने वेब कैम तो लगा होता है और हम बोलते हैं कि वीडियो नहीं आ रही है, पता चला कि वो पीछे जो है उसका कनेक्शन करना भूल गए, हमने कनेक्शन कर दिया तो उसका सेटअप करना भूल गए, तो वो चीज जो हैंडसेट आपके पास, स्पीकर या माइक्रोफोन, कि आप जिससे भी बोल रहे हो, जैसे अब माइक और स्पीकर जो है लैपटॉप वगैरह के साथ इनबिल्ट है, लेकिन डेस्कटॉप वगैरह के मोबाइल में भी इनबिल्ट है, लेकिन डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं है, तो डेस्कटॉप पे आपको स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे आउटपुट के लिए, कि अगर मेरी वॉइस सुननी है तो आपको डेस्कटॉप पे स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे या हेडफोन लगाने पड़ेंगे जिससे आप सुन सकें, अगर आपको बोलना है तो उसमें माइक लगाना पड़ेगा, तो ईयरफोन हो गए जिसमें माइक और स्पीकर्स दोनों, आपने उस तरीके का कोई डिवाइस लगा रखा है, या फिर दोनों के लिए अलग अलग, के माइक के लिए एक अलग लगा के रखा है और आउटपुट के लिए जो है स्पीकर अलग से लगा के रखें, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है कि आप कॉन्फ्रेंस में जुड़ तो गए, आपकी आवाज नहीं जा रही है या उधर से आवाज कोई बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, उसकी वजह से नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने तो अनम्यूट कर दिया है, आपको फिर भी नहीं आ रही है, तो आपके सिस्टम में जो स्पीकर वगैरह है या आपका जो है वो आपका म्यूट या अनम्यूट हो रखा होगा, उसका वॉल्यूम कम हो रखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको भी देखनी पड़ेगी। और लास्ट में हमारे पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है, बहुत सारी, खासकर जब पेंडेमिक के पहले दो या तीन ही होते थे, खासकर जो भी यूज होते थे, स्काइप सबसे ज्यादा जो यूज होता था पेंडेमिक के पहले वो था स्काइप, कि अगर कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग करानी है तो वो स्काइप के थ्रू होती थी, ठीक है, स्काइप के थ्रू ही वो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी और जो भी लेक्चर होता था वो स्काइप के थ्रू होता था, तो वहां पर वन टू वन होता था, उसमें भी चार या पांच या कुछ पार्टिसिपेशन होते थे, उनको लिमिट किया हुआ था, ज्यादा नहीं थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद एक तरीके से इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की बाहर से आ गई है, ठीक है, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, वेबएक्स हो गया, और भी बहुत सारे आए हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन ये कुछ बड़े प्लेयर हैं जैसे खासकर जूम, गूगल और वेबएक्स, जो अभी भी प्रोमिनेंटली वर्क कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। तो अगर हम जूम ऐप को देखें तो यहाँ पर जूम ऐप के फीचर्स यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल है, स्क्रीन को भी हमने शेयर कर रखी है, तो यहाँ पर म्यूट वीडियो का, सिक्योरिटी का यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अलग अलग सिक्योरिटी, कि जब आप कोई कॉन्फ्रेंसिंग होस्ट कर रहे हो तो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे तो उनको क्या क्या राइट्स देना है, क्या क्या नहीं देना है, यहाँ पर है, जैसे कि हमने आपको सारे राइट्स दे रखे हैं कि आप जो है माइक अपना ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो बहुत सारी उसमें ये सारे राइट्स ऑफ रहते हैं कि आप सिर्फ जब तक जो होस्ट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा तब तक आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं, चैट आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर जो अभी हमने स्लाइड शेयरिंग की है वो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल, इसको हम पॉज कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे क्लासरूम लेक्चर हुआ तो वहां पे लेक्चर दिया, तो अगले दिन फिर आपको लेक्चर देना उसी सेम टॉपिक पे, क्योंकि जैसे गोपाल सर कर बता रहे थे कि ई फाइलिंग में जब वो फाइल वगैरह के सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि अगर एक काम हमें रिपीटिवली करना है, बार बार करना है, तो हम उसको एक अच्छे से फाइल बना के उसको यूज करें और उसे अच्छे से रखें, जब हमें जरूरत पड़ी 4 महीने बाद, 4 साल के बाद, तो हम उसे उठा के उसको अपडेट करके वहां पर यूज कर सकें, तो वो वहां पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और
ये फीचर्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम कहानी क्या हो गया लेक्चर के साथ हो गया कि आपने जो ऑफलाइन लेक्चर लिया उसे लिया और वो खत्म हो गया। अगली बार नया सेमेस्टर आया फिर वही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा, तो आप नोट्स अपने बना सकते हो लेकिन लेक्चर हर बार देना पड़ेगा। लेकिन आपने उसका वीडियो ही बना के उसे अच्छे से रखा तो आपको क्या करना है यूट्यूब चैनल पे कि ये टॉपिक है, आपने क्लासरूम में उसे नॉर्मली अच्छे से एक्सेस किया, उसको बताया और वहां पर बोला गया कि और अच्छे से जानना है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे ये लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, वहां पर आप उसे देख सकते हो। तो ये तो पहले हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंपोनेंट्स जो आपको एक अच्छे से कॉन्फ्रेंस करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है या आप उसका पार्ट होना है, मतलब आप एज ए पार्टिसिपेशन जुड़े या एज ए ऑर्गेनाइजर जुड़े, आपको ये पांच फीचर चार फीचर जो है वो रखने पड़ेंगे तैयार। या आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास एक अच्छा सा सिस्टम हो, उसमें फिर आपके पास माइक स्पीकर और ये सारी चीजें हो, और देन आपके पास एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फिर गूगल मीट यूज करो आप चाहे फिर अदर जो भी चीज। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो तरीके की होती है, एक होती है पॉइंट टू पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट टू पॉइंट में जैसे मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है ना, या कुछ इस तरीके से जॉब इंटरव्यू हुआ या कस्टमर सपोर्ट हुआ या इस तरीके की जो चीज हुई है वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। जैसे कि अब मुझे एक इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला या वाइवा कराना है, जैसे अभी आप यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज हैं तो पेंडेमिक में ये हुआ कि ऑनलाइन वाइवा लेंगे, तो ऑनलाइन वाइवा में हमने क्या किया कि हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज किया, चाहे गूगल मीट लो चाहे जूम मीटिंग, उसको रिकॉर्डिंग ऑन किया, फिर हम स्टूडेंट को जैसे वाइवा में नॉर्मल वाइवा में बुलाते थे रोल नंबर वाइज, वैसे वहां पर उन्हें कॉल करते गए कि भैया आपने उन्हें वेटिंग जूम में डाल दिया। जैसे जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस टूल के अलग अलग टू वो है फैसिलिटी है, जैसे जूम में आप वेटिंग रूम में डाल सकते हो, तो आपके साथ अगर क्लास में 30 स्टूडेंट थे तो 30 के 30 स्टूडेंट ने एक साथ ज्वाइन किया, लेकिन आपने उन्हें क्या कर रखा है बफर जोन में डाल रखा है, वेटिंग रूम में डाल रखा है, फिर उसमें से जिसका वाइवा लेना है उसको अलाउ किया, वो आया उसने वाइवा दिया और वो फिर लीव कर गया, देन दूसरे को आपने कॉल किया। तो ये जब इस तरीके की चीज करनी है तो वहां पर हम उसे पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे, ठीक है। तो वो जॉब इंटरव्यू के लिए हो सकती है, वाइवा के लिए हो सकती है, कस्टमर सपोर्ट के लिए हो सकती है वहां पर। देन होती है मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग। मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग में अंतर जैसे वेबिनार और टीम मीटिंग। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेबिनार और टीम मीटिंग में क्या अंतर हुआ, बात तो है कि ये टाइप तो ये हाँ उनमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग है, ये उनकी सिमिलरिटी है, बट वेबिनार और टीम मीटिंग में क्या अंतर है कोई बता पाएगा? कोई भी ठीक है। तो वेबिनार जो हम अभी कर रहे हैं ये वेबिनार हुआ कि वेबिनार में ये मल्टी पॉइंट तो है, हम इसमें ओपन डिस्कशन भी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग मैं एज ए स्पीकर रजिस्टर हुआ, आप एज ए पार्टिसिपेंट रजिस्टर हुए है ना, और मेरा बाकी टाइम में रूल हो गया मैं एज ए पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर रजिस्टर किया हूँ, मैं एज ए ऑर्गेनाइज मेंबर भी यहाँ पर हूँ, तो तीनों तरीके से मेरे रोल है वेबिनार में। तो वेबिनार क्या हो गया, एक तरीके से हम जहाँ पर जो सेमिनार हम कराते थे उसका ई वर्जन हम कह सकते हैं वेबिनार। तो सेमिनार में क्या होता था कि हमारे पास कुछ अलग अलग टॉपिक से लेके एक्सपर्ट आते थे, हम उस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराते थे और वहाँ वर्चुअल फिजिकली जाते थे और उन लेक्चर्स को सुनते थे और अपना उनका नॉलेज हम लेते थे और अपने लाइफ स्किल में या एजुकेशन स्किल में या अपने प्रोफेशनल स्किल में उसे इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमिनार। उसी सेमिनार को क्या किया कि अब पेंडेमिक और उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएं, है ना, चीजें उस समय नॉर्मल नहीं थी, तो उसका नाम दे दिया वेबिनार कि अगर अब मुझे वेबिनार कराना है तो अब ये आसान हो गया कि अब मुझे अमेरिका से कोई एक्सपर्ट को बुलाना है तो उसे मुझे यहाँ पे फिजिकली बुलाने की जरूरत नहीं, विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो वेबिनार से ही बैठ के दे देंगे। जैसे कि एक बार मोदी जी ने किया था जब वो गुजरात के सीएम थे, उन्हें कहाँ जाना था, यूएस जाना था एक लेक्चर के लिए, वहां पर उनको जो कम्युनिटी थी गुजराती कम्युनिटी उन्होंने वहां पर बुलाया था एज ए गेस्ट और वो सारी चीजें, तो वो वहां से उनको वीजा नहीं देते थे जो भी रीजन था, तो उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो गुजरात में रहे गांधीनगर में, वहां से उन्होंने न्यूयॉर्क में जो जो भी हॉल था जहां पर था उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और आज की डेट में तो ये पॉपुलर सा हो गया कि हम वेबिनार जो है पॉपुलर सी कंसेप्ट हो गया कि हर कोई। और टीम मीटिंग क्या हो गया कि टीम मीटिंग जब हम बात करते हैं कि कोई
जैसे कि डिपार्टमेंट की मीटिंग है, जैसे कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे BOS मीटिंग हुई, या फिर फैकल्टी कोई डिपार्टमेंट है उसकी फैकल्टी की मीटिंग होनी है, तो बीच में क्या था पेंडेमिक में डिपार्टमेंट भी नहीं आ पा रहे थे सब लोग, तो वो क्या हुआ कि डिपार्टमेंट की मीटिंग है कि हम कैसे जो है वाइवा लेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे, तो पर्टिकुलर वो मीटिंग हो गई। जो मीटिंग नॉर्मल पहले ऑफलाइन होती थी, डिपार्टमेंटल मीटिंग, यूनिवर्सिटी मीटिंग, या BOS की मीटिंग, या एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग, या और कोई जो बिजनेस पर्पस मीटिंग है, वो जो मीटिंग पहले एक कमरे में होती थी जिसमें उससे जुड़े संबंधित लोग होते थे, 12-15 लोग जो उससे जुड़े होते थे, जिनका रोल होता था, बाकी सबकी जरूरत नहीं है उसमें, जो उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट होंगे या उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी होंगी या जिनको नॉमिनेट किया है, वो मेंबर उसके अंदर आते थे और वो डिस्कशन करते थे और एक पॉइंट पे आते थे। तो उसी मीटिंग को हमने टीम मीटिंग यहाँ पर बनाया, जैसे मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है कि आपको मीटिंग कॉल किए या वेबिनार कॉल किए, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद हो गए वर्किंग, जो हम बात कर रहे थे। मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा कि मैं बिल्कुल एकदम आपको TCP/IP और वो बताऊं, सीधी सी कहानी होती है, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन, जो शुरू से चलती आई है, जो मैंने शुरू में आपको ये बताया था। ये इमेज हमारी हमेशा याद रखें कि कहां से टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई है, लेकिन इन सब में एक कॉमन था कि एक भेजने वाला होता था और एक रिसीव करने वाला होता था, ठीक है, और एक मीडियम होता था। वो मीडियम यहाँ पर आग था, फिर यहाँ पर वो कबूतर हुआ, यहाँ पर न्यूज़पेपर हुआ, यहाँ पर टेलीफोन हुआ, यहाँ पर रेडियो हुआ, यहाँ पर टीवी हुआ, यहाँ पर इंटरनेट हुआ। बस मीडियम चेंज हुआ, बाकी चीज वही है कि एक भेजने वाला हुआ और एक रिसीव करने वाला होगा और वो इनके वजह से रिसीव करेगा। तो यहाँ पर भी कहानी यही हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर भी एक भेजने वाला होगा और एक रिसीव करने वाला होगा। तो जो भेजने वाला जब बोलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, है ना, आपको ये वर्चुअल भी दिख रहा है, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, मैंने अभी कैमरा ऑफ कर रखा है, अगर कैमरा ऑन करूंगा तो मेरा फेस भी आपको दिखाई देगा। तो ये तीनों चीजें जा रही है, ठीक है। अब आपके पास कैसे आ रही है, आपके पास कैसे आ रही है, तो वो इंटरनेट के पास आ रही है, तो इंटरनेट के पास कैसे आ रही है। तो ये जो कहानी है कि वीडियो एंड ऑडियो एनालॉग सिग्नल, मैं जो बोल रहा हूँ उनको जो माइक है वो रिसीव कर रहा है, तो वो एक एनालॉग सिग्नल बन रहे हैं, ऐसे जो टेक्निकल भाषा में कहते हैं एनालॉग सिग्नल। फिर इन एनालॉग सिग्नल को, क्योंकि अब आप बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो ही चीज होती है, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो 7 स्टेप और होती है ऑन और ऑफ के लिए, लेकिन बेसिकली जो नॉर्मल यूजर के लिए होता है वो ऑन होता है या ऑफ होता है। जैसे कंप्यूटर में हम बाइनरी कहते हैं 0 या 1, या तो वो 0 मतलब ऑफ है या 1 है तो ऑन है, तो वो डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को पहले वो डिजिटल सिग्नल, जैसे हम डेटा पैक कहते हैं, ठीक है, तो डेटा पैकेजेस में वो उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा और इंटरनेट से शुरू करेगा, यहाँ से भेजना, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हम कह रहे थे जो भेजने वाला है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है, जैसे मैं अभी आपके पास हूँ, मैं स्टार्टिंग पॉइंट हूँ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मेरी ऑडियो, मेरा वीडियो और मेरा जो कंटेंट है, है ना, जो ऑडियो है वो एनालॉग सिग्नल में आया, उसको उसने कन्वर्ट किया डेटा पैक में और उसे रेडी किया इंटरनेट पे भेजने के लिए। अब ये जो डेटा पैक है, ये कुछ एड्रेस लेके, जब भी आप कोई एड्रेस भेज, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हो, चाहे लेटर भेज रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, तो अगर ईमेल भेज रहे हो तो आप ईमेल एड्रेस लिखते थे, है ना, अगर आप लेटर वगैरह भेज रहे हो तो वहां पर घर का एड्रेस लिखते थे, ठीक है। तो उसमें दो एड्रेस होता था, टू और फ्रॉम, टू में जहां जाना है और फ्रॉम किसने भेजा है, है ना। तो यहाँ पर भी वही कहानी कि वो डेटा पैकेट ट्रेवल करेगा ओवर द इंटरनेट और उस पैकेट को कहां लेके जाएगा, जहां पर भेजना है। तो वो एड्रेस, उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट की भाषा में उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, TCP/IP, ठीक है। ये इनका क्या होता है, हमें कोई लेना देना नहीं, ये एक तरीके के एड्रेस है। आपका लैपटॉप का एड्रेस हो गया, आपके मोबाइल का एड्रेस हो गया, उसे हम एड्रेस कहेंगे कि ये मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तो यहां वो डेटा पैक उसको लेके डीकोड करेगा, ये यहां पर आएगा। तो अब क्योंकि 10 फॉर्म में आया, अब अगर मैं आपके सामने 10 फॉर्म खोल दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर आके फिर उन्हें डीकोड करेगा। तो पहले आप जो बोल रहे हो उसे कोड किया और यहाँ आके उसे उसने डिकोड किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गोपाल सर साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता रहे थे, साइबर अवेयरनेस के बारे में बता रहे थे, तो साइबर अवेयरनेस में भी यही होता है कि अब जो हमने बोला है उसे तो पहले उसने किस में कोड किया, 10 के फॉर्म में, और उस डेटा पैक को भी उसने कोड किया सिक्योरिटी के हिसाब से कि अगर ये इंटरनेट पे जब इस बीच में है तो इस बीच में अगर किसी ने हैकिंग की या इसमें आपके बीच में किसी ने नेटवर्क को इंटरप्ट करके वो डेटा पैकेट पढ़ने की कोशिश की तो वो उसे खुलेगा नहीं। जो जैसे अगर आपने सीधे सीधे लिख दिया कि जो है कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये तो अगर किसी ने बीच में पढ़ा तो उसे पता चल गया कि कल मैं दिल्ली जाने वाला हूं, लेकिन मैंने उसे कुछ इस भाषा में लिखा कि उसे समझ में नहीं आए दिल्ली कल जाएगा, अब कौन जाएगा,
कहाँ जाएगा, दिल्ली कहाँ जाएगा, तो ये कोड भाषा में लिख दिया कि उसमें मैंने उसे कोड दे दिया कि भैया पहला वर्ड इधर आएगा, दूसरा वर्ड इधर आएगा, ये मैंने उसे दूसरे वाले को पता है कि ये हमने कोड जनरेट किया है जो मुझे पता है और जिसको मैंने भेजा उसे पता है, बीच में उसको नहीं पता कि ये क्या है, तो वो सिर्फ एनालिसिस कर सकता है कि इस मैसेज से क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट मैसेज नहीं हुआ, तो वो कोडिंग यहाँ पर भी काम में आती है जो साइबर अवेयरनेस के अंदर बात कर रहे थे। तो कोडिंग पहले उसने एनालॉग सिग्नल को बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी सिग्नल को भी जो डेटा पैक बने उनको भी उसने कोड किया कि बीच में जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे कि बीच में अगर किसी के पास वो डेटा पैक चला भी जाए तो वो उसे डीकोड नहीं कर सके, वो उस इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ सके। वो इन्फॉर्मेशन कब डीकोड होगी, जब वो आपके सोर्स के पास डेस्टिनेशन के पास जाएगी, कि सही साथ एंड पॉइंट पे जब जाएगी तो वो वहां पर इस तरीके की एल्गोरिदम लगी है कि वो उसे वापस से डिकोड करेगा, फिर डिकोड करने के बाद वो बाइनरी सिग्नल में आएगा, बाइनरी सिग्नल से फिर से वो आपके एनालॉग सिग्नल में आएगा, और फिर एनालॉग सिग्नल से जो आपके आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर से या डिस्प्ले डिवाइस जो मॉनिटर है उन पे वो आपको सुनाई और दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रोसेस है उसकी वर्किंग की। ठीक है, अब इसमें वो लोकेशन कैसे ढूंढेगा, ये सारी चीजें कहाँ होगा, ये हम कभी टेक्निकल सेशन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये एक पीछे की वर्किंग होती है। की फीचर्स हमारे पास कि हमने अभी गूगल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैंने जूम का जो बताया था कि उसमें हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि इसके की फीचर्स कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कि वहां पर क्या होता था कि आपकी नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता था कि आपका ब्लैक बोर्ड होता था या व्हाइट बोर्ड होता था, उस पर आपको कोई भी डिजाइन बनाना पड़ता था तो वो टाइम लेता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पहले से बना, जैसे मैंने पीपीटी पहले से बना के रखी हुई है और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी, तो वो आपको मेरा यहाँ पर स्क्रीन शेयर, हम यहाँ पर चैट कर सकते हैं कि अब जैसे वहां पर स्टूडेंट क्या होता था कि बीच बीच में क्लास में क्वेश्चन आ जाते थे, है ना, कि सर ये समझ में नहीं आया, वो आपको इंटरप्ट कर देता था। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन पहले से लिख दिया या उसमें कोई ऐसा मीडियम हुआ तो आप बोले क्या मैं पहले ये टॉपिक कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन से आता हूँ, तो यहाँ पे चैट बॉक्स हो गया कि मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दिया कि सर ये एक्सप्लेन कर दो, मैं चैट बॉक्स में जैसे बीच बीच में मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं फिर से चेक बॉक्स चेक कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई मैसेज आया है, तो मैं उस मैसेज पे जाकर देख लेता हूँ कि कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे होता है उसे देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर में उसके आंसर दे देता हूँ। ठीक है, देन फिर कॉल रिकॉर्डिंग। अब जैसे हमारे पास जो ऑफलाइन टीचिंग में होता था, हम क्लासरूम टीचिंग में जाते थे तो उसका मैंने पहले भी बताया कि उसका कोई वो नहीं होता था, रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता, मैंने क्लास ले ली, अब मैंने क्लास में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया ये किसे पता, हायर अथॉरिटी को नहीं पता, तो हायर अथॉरिटी पहले क्या करता है, अभी भी करता है, ऑफलाइन क्लास में अगर होगा तो आपके वहां पर भी होता होगा कि वो जो है जो डायरेक्टर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो एक राउंड पे आते हैं, और वो जब आपकी क्लास चल रही है तो वो क्लास में आके पीछे बैठ जाते हैं, तो वो सुन रहे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कि आपकी टीचिंग का एनालिसिस कर रहे हैं कि आप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, तो वो वहां पर आके आपकी बीच क्लास में बैठते हैं और वो चीज को देखते हैं, बट वो एक या दो दिन हो गया, वो रोज तो नहीं आ सकते, है ना, तो अब मैंने तीन दिन अच्छा पढ़ाया, मुझे पता चल गया कि यार वो आने वाले, तो मैंने उस समय अच्छा पढ़ा दिया, यहाँ पर क्या हो गया कॉल रिकॉर्डिंग हो गया कि मैंने जो भी लेक्चर दिया इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसको बाकी लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं और मैं खुद भी एनालिसिस कर सकता हूँ कि मैंने जो अभी लेक्चर लिया है वो कैसा दिया है ना, और मैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए भी हो गया और देन रिकॉर्ड के लिए भी हो गया कि कोई सुनना चाहता है कि यार वो मैंने लेक्चर मिस कर गया था उसमें सर ने क्या समझाया, तो उसने उस लेक्चर को पढ़ भी लिया, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। कि ये इसके कुछ की फीचर्स, व्यू कि हम यहाँ पर जैसे व्यू के ऑप्शन की बात करें कि यहाँ पर मोर ऑप्शन है कि हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग व्यू का एक ऑप्शन आता है, अगर आपके उसमें होगा तो वहां पर दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी शेयर कर रखी है इसलिए वो उस तरीके से आ रहा है, तो वहां पर व्यू अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आपके पास व्यू क्या, आप कैसे देखना चाहते हो, कि सिर्फ आप फुल स्क्रीन पे सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, एक व्यू ऑप्शन वो आ गया, दूसरा कि आप मेरा प्रेजेंटेशन के साथ साथ मुझे भी देखना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है तो दिखूंगा नहीं, लेकिन आप वो भी देखना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आ गया, या तीसरा आपके पास कि आप ये देखने के साथ सारे पार्टिसिपेशन, जैसे कि हम बहुत सी बार वर्कशॉप के एंड जब होगा कि हम सारे पार्टिसिपेशन का एक साथ फोटो खींचना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस होती है तो एक ग्रुप फोटो होता है, तो यहाँ पे तो सब अलग अलग जगह पर है तो वो ग्रुप फोटो कैसे लेंगे, तो सबका व्यू किया कि सारे एक ही स्क्रीन पे आ जाए और सबको बोला कि कैमरा ऑन करे और उसका स्क्रीन शॉट ले जाए, तो वो भी एक ग्रुप फोटो हो गया, तो हम वहाँ पर व्यू अलग अलग व्यू करके उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि वहाँ पर एक फीचर सिक्योरिटी का होगा, सिक्योरिटी के आप पार्टिसिपेंट जैसे बीच बीच में, क्योंकि हमने अलाउ कर रखा है इसलिए माइक और ये सारी चीजें खुल जा रही है ना, हमेशा डिसअलाउ कर दें तो हमारी क्योंकि कोई भी वर्कशॉप में फिर इंटरप्ट नहीं होगा,
है ना, कि कोई भी बीच में नहीं बोल पाएगा, कोई भी बीच में कैमरा ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स है, क्योंकि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी हमने हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करने की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं कि मैं मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसे वहाँ पर बता रहा हूँ, वो मे भी सही हो सकता है उसमें, और आप कुछ करेक्शन करें। सर आपने ये तो बताया, ये वाली चीज़ आप बता दो मुझे भी। जैसे मैंने अभी गोपाल सर को भी बताया कि उनके लेक्चर्स मैंने सुने जिससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ। जैसे वर्ड में मैंने कल कॉन्फ्रेंस में भी बताया था आपको कि वो कुछ पॉइंट जो है, जो आपकी छोटी छोटी चीजें होती है, कि मुझे ग्राफ वो पैराग्राफ वाला तो पता था कि ये वाला ऐसे होता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग के लिए मुझे नहीं पता था। तो वो शिफ्ट इंटर वाला की मुझे काम में आया कि हाँ, कि मैं वो उसके लिए हमेशा जो है लाइन स्पेसिंग में जाके वो मैनेज करता था, है ना, कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैंने अपना उसका जुगाड़ बना के रखा था। लेकिन उसके लिए ये वाला ऑप्शन था ये मुझे पता ही नहीं था कि हाँ, कि मैं सिर्फ इंटर मारूंगा तो वो पैराग्राफ होगा और शिफ्ट इंटर मारूंगा तो वो लाइन होगा। तो ये एक नई चीज मुझे मिली। तो वहां पर नॉलेज शेयरिंग हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करें बेनिफिट ऑफ कंसल्टिंग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, कि हमारा टाइम भी बच रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यही वर्कशॉप हमें फिजिकली ऑर्गेनाइज करानी होती तो हमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक हॉल, अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए रुकने की फैसिलिटी, तो यहाँ पे हमने अगर लिखा है कि हम उन्हें रुकने और की फैसिलिटी देंगे तो हमें वो भी अरेंजमेंट करना है। अगर हमने नहीं किया तो वो फिर भी आ रहा है तो वो तो रुकेगा ही ना, तो उसे 2 या 4-5 दिन की जो है तो वो वहां पर रुकेगा, उसका रहने वगैरह का। फिर हमारे पास जो जो भी हम करेंगे कॉन्फ्रेंस रूम करेंगे, जहां पर हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे वहां पर ये सारी चीजें, तो टाइम भी ये सबका आना पड़ेगा। सब 5 दिन अपना बाकी सारा काम छोड़ के सिर्फ हम वर्कशॉप के लिए आएंगे। ठीक है, हालांकि उसके फायदे भी होते थे क्योंकि हम फोकस होते थे कि हमें सिर्फ वर्कशॉप करनी हो और हम वहाँ पर सिर्फ वर्कशॉप करने जा रहे हैं, तो हम 11 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक सिर्फ वर्कशॉप करते थे और बाकी टाइम में जो करना है वो करें, तो हम फोकस होते थे। यहाँ पर हम फोकस के साथ साथ अपने काम भी निपटा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज भी है कुछ एडवांटेज भी है। तो मेन चीज हो गई टाइम एंड कॉस्ट सेविंग हो गया, दूसरा रिमोट एरिया से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हमने बोला कि हम सब अलग अलग प्लेस में, यहाँ पर जैसे जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए थे तो गोपाल सर और हम डिस्कशन कर रहे थे कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ, तो श्रीलंका से भी थे, बांग्लादेश से भी थे, तो कंट्री बैरियर वो भी बैरियर नहीं था कि आउट ऑफ कंट्री से भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन इस वर्कशॉप के लिए है, तो वहाँ चीज हुई है ना। विजुअल डेटा, डेटा को हम विजुअली बता सकते हैं कि अभी तक जैसे हम बोर्ड पे ही बता सकते थे, आज हम उसे इफेक्ट के साथ वहाँ पर बता सकते हैं ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग स्मार्ट आर्ट का यूज करके बता सकते हैं, है ना, कि कैसे अभी जैसे अगर आपने वर्चुअल लैब के बारे में सुना होगा, तो आईआईटी मुंबई का एक कंसेप्ट है वर्चुअल लैब, उसमें वो वर्चुअली जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे कि जैसे अगर हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, तो उसमें एक केमिकल में केमिकल टू मिला है तो हमें सीधे एकदम से धुआं निकलते हुए दिखता है। उसमें वो क्या कर रहा है कि जैसे आपने एक केमिकल से दूसरा केमिकल दिखाया, वो वर्चुअल उन्होंने एक बना के रखा है कि आपने एक केमिकल में दूसरा केमिकल डाला तो वो पूरी रिएक्शन बता रहा है कि पहले एक बूंद गई तब क्या हुआ, दूसरी बूंद गई तब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे किस तरीके से उसका कलर चेंज हुआ और किस तरीके से वो ऊपर की साइड आया और किस तरीके से धुआं निकला। तो वो वर्चुअल है वहां पर, ये भी आपके पास जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, जो अभी तक वो एक झटके में हो जाता था, हमें समझ में नहीं आता था कि ये रिएक्शन कैसे हुई, तो वो उस रिएक्शन को भी पूरा तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से 4 बूंद मिलने के बाद उस केमिकल में क्या हुआ और देन उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें। देन फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो हम ऑफलाइन में मिस कर ऑफलाइन में जो हम करते थे कि हमारे सामने आमने सामने होता था, तो जैसे हम टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात करें तो हम सुनाई तो दे रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या हो गया कि हम उसे देख भी पा रहे हैं कि हाँ ये सामने बैठा हुआ है और उसे विजुलाइज भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आज के जो थे हमारे, वो हमने डिस्कशन किए, एक हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और दूसरा जो था हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग के लिए, लेकिन इनका यूज किस तरीके से हम एजुकेशन और लर्निंग और टीचिंग लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर आगे की बात कर सकते हैं। तो आगे के जो टॉपिक है वो थोड़े से टेक्निकल है, तो जो दूसरा सेशन होगा उसमें मैं इन टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हम AI की बात करेंगे, जैसे AI का रोल यहाँ पर क्या है, AI के बारे में बाकी मेरे ख्याल से कल सर ने परसों सर ने एक सेशन में बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, IoT के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग जो मेरा एक्सपर्टाइज भी है उसके बारे में बात करेंगे और GPS सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल होंगे जिन्हें मैं अगले सेशन में जो होगा वहां पर हम इन्हें डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इन 2 टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।